हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम धरा है आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन हाउ टू प्रायोरिटाइज माय डे अगर मुझे मेरी लाइफ की मेरे डे की मेरे टास्क की प्रायोरिटी सेट करनी है तो वो मैं प्रायोरिटी कैसे सेट करूं राइट सो एंड तक जरूर से देखिएगा द फ्लो ऑफ द एंटायर वीडियो इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज प्रायोरिटी फर्स्ट कि भाई ये प्रायोरिटाइज टास्क को करना यानी क्या उसके बाद स्टेप्स के कैसे आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम रूल्स जो आपको हमेशा प्रायोरिटी करने में प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करेंगे ओके दीज रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो एंड तक जरूर से देखेगा ताकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़े उससे पहले डोंट फर्गेट टू लाइक दीडियो सब्सक्राइब चैनल क्लिक द बेलाइकन ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करो जो हर सैटरडे हमारे चैनल पर आता है ओके लेट्स बिगिन सो प्रायोरिटी सेट करने से पहले सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करना यानी क्या अगर मुझे मेरे डे टू डे टास्क को प्रायोरिटाइज करना है यानी उसके इंपोर्टेंस के हिसाब से या उसकी अर्जेंसी के हिसाब से या उसमें कितना एफर्ट लगने वाला है उसके हिसाब से या फिर उसमें क्या-क्या रिसोर्सेज -क्या लगने वाले हैं क्या-क्या चीजें क्या-क्या लोग कितना पैसा क्या लगेगा उसके हिसाब से मैं मेरे टास्क को प्रायोरिटाइज करती हूं इसको बोलते टास्क प्रायोरिटाइज करना ये चार पांच चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपको अपने दिन का काम दिन के टास्क उसको प्रायोरटाइज करना होता है डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है प्रोसेस भी बहुत सिंपल है पर प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से शुरू करना और किस हिसाब से प्रायोरिटी देने के लिए सोचना ये हमें शायद नहीं पता या पता है तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है ओके okay, सो so कैसे करना अभी हम उस उसपे आते हैं आई होप प्रायोरिटाइजिंग कांसेप्ट मोर और लेस क्लियर हो गया है okay, so to to yani, पूरे दिन का प्रायोरिटी कौन सा टास्क है कब मुझे क्या करना चाहिए किसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए किस काम को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए किस काम को पहले किस काम को बाद में करना चाहिए दिस इज सेटिंग द प्रायोरिटी ओके तो उस उसपे चलते हैं हाउ टू डू इट लेट्स मूव टेर अभी प्रायोरिटी कैसे सेट करना उससे पहले स्टेप वन आता है आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो खुद को कौन सा टूल यूज करते हो टू ऑर्गेनाइज योर सेट मुझे लोग बोलते हैं पूछते हैं स्पेशली कि मैं मैम इतने सारे दिन में टास्क होते हैं पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला जाता है जो काम करना होता है वो सारा काम रह जाता है और जो नहीं करना है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है पता ही नहीं चला दिन कहाँ गया

राइट right, जो मैं एकदम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन टूल ऑर्गेनाइजिंग टूल की बात करूंगी सपोज एक बेसिक एक डायरी है एक पेन है ठीक है आपने सिर्फ एक डायरी और पेन लिया और अपने आप को आप ऑर्गेनाइजेश ऑर्गेनाइज कर रहे हो डायरी और पेन लेके क्या करना है वो पूरा कैसे खुद को ऑर्गेनाइज करना है वहां से शुरू करते हैं वहां से हम प्रायोरिटी तक पहुंचेंगे ओके आपने डायरी और पेन लिया और आपने आपको जितने भी टास्क याद आ रहे हैं ना जितने भी काम याद आ रहे हैं उसकी एक मास्टर लिस्ट बनाई जो भी पेंडिंग काम याद आ रहा है वो सारा काम आपने एक साथ लिख, लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया पूरा लंबा लिस्ट बना दिया ओके okay? उसके बाद आता है ये जो सपोज ये टास्क वन है ये टास्क टू है सॉरी फॉर द मक सपोज ये टास्क वन है टास्क टू है टास्क थ्री है टास्क फोर है ओके okay? अभी ये ए बी सी डी इसका डेडलाइन क्या है सबसे पहले डेडलाइन ये मास्टर लिस्ट की बात कर रही हो ठीक है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है तो ये टास्क है उसकी डेडलाइन है ट्वेंटी एट ये टास्क है उसकी डेडलाइन है थर्टी फर्स्ट मार्च ये टास्क है उसकी डेडलाइन है थर्टी फर्स्ट जैन ये टास्क है उसकी डेडलाइन है थ्री अप्रैल थर्ड अप्रैल फॉर एग्जाम्पल ओके डेडलाइन के डेडलाइन दे देनी आपको सारे मास्टर लिस्ट के जितने भी टास्क है ना उनको अभी ये डेडलाइन के हिसाब से आपको ये जो पर्टिकुलर वन नंबर का जो टास्क है उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा सपोज आपका वन नंबर का टास्क है डिफाइन सेल्स प्रोसेस, ओके उसका डेडलाइन मैंने दिया है 28 फरवरी तक मुझे यह सेल्स प्रोसेस डिफाइन कर देना है अभी उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा सपोज पहला एक्शन है कि भाई मुझे वीडियो देख के पता करना है कि हाउ टू डू इट ओके सपोज मेरी चैनल पे वीडियो है हाउ टू सेट द सेल्स प्रोसेस तो वो वीडियो सबसे पहले मुझे एक्शन में देखना है फिर उसके बाद क्या एक्शन लेना है भाई वीडियो के हिसाब से जो जो चीजें बताई है फॉलो स्टेप बाय स्टेप एज पर वीडियो स्टेप बाय स्टेप ओके उसके पे, उसके बाद क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया उसके बाद मुझे करना है कम्युनिकेट टू टीम के टू टीम ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं ओके okay? आपको खुद बैठ के सोचना है कम्युनिकेट टू टीम हो गया उसके बाद आपको चेक करना है की चेकिंग वंस अ वीक आपने टीम को कम्युनिकेट कर दिया उसके बाद टीम वो कर रही है कि नहीं तो आपने क्या लिखा कीप चेकिंग वंस अ वीक मैं देखते रहूं कि वो बराबर हो रहा है कि नहीं फॉलो तो ये अगर डिफाइन सेल्स प्रोसेस है तो उसकी डेडलाइन ये है उसके एक्शन वन टू थ्री फोर है वैसे आपके मास्टर लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों को आपको डेडलाइन देना है और ऐसे एक्शन स्टेप्स बनाना है कि उनके क्या एक्शन होंगे अगर मुझे अचीव करना है तो क्या एक्शन लेना पड़ेगा वेरी सिंपल कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसमें ओके आपको चाहिए तो इसको स्लो करके फास्ट करके रिपीट रिवाइंड कर करके ये क्लैरिटी में समझ के साथ साथ में कीजिए ताकि आपका अभी के अभी ये वीडियो के एंड तक आपका ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट एटलीस्ट ऑर्गेनाइज हो जाए आपका पूरा डेटा ठीक है तो हमने क्या किया डायरी पेन लिया उसमें सारे जो इनकम्प्लीट टास्क है वो लिखे उसका एक मास्टर लिस्ट बनाया वो लिस्ट को हमने डेडलाइन दी सबसे पहले कि ये काम मुझे कब तक खत्म करना है तो ये डेडलाइन हमने सेट की जैसे ही डेडलाइन सेट की उसके बाद एक एक एक-एक टास्क लिया और उसमें क्या क्या एक्शन हमको लेना है वो सारे एक्शन हमने लिस्ट किए वन बाय वन एक 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 एक, -एक, -एक सबका करना है ओके okay? अभी ये जो एक्शन आपने लिस्ट किए है इसको आपको लेके जाना है डेट डायरी में लिखने के लिए डेट डायरी आई होप आप समझते हो है ना हमको पूरे ईयर की जो 2024 की जो डायरी मिलती है हर दिन का एक डेडिकेटेड uh, पेज होता है तो सपोज आपने ये लिखा है कि ये वीडियो मुझे देखना है कि हाउ टू तो सेट सेल्स प्रोसेस तो ये मैं कब देखूंगा तो उसको आपने एक्शन को आपने डेट दे दी सपोज मैं ये देखूंगा थर्टी थर्टी मार्च को फॉर एग्जाम्पल तो आपने क्या किया डेट डायरी में गए और थर्टी मार्च का जो दिन है उसमें आपने ये टास्क लिख दिया 30 मार्च के दिन पे आपने ये लिखा वीडियो देखना है ऑन हाउ टू डू हाउ टू क्रिएट सेल्स प्रोसेस क्लियर वैसे हर टास्क को अगर आप हर टास्क को डेडलाइन नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट फर्स्ट जो टास्क है उसको डेडलाइन देनी है उसको एक तारीख डिनोट करनी है 30th मार्च को ये टास्क होना चाहिए और डेट डायरी पे जाओ या फिर आप गूगल कैलेंडर यूज करते हो उस पे जाओ टू डू है तो टू डू पे जाओ जिस पे भी आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने आप को उस पे जाओ और वो पर्टिकुलर टास्क को वो डेट पे आपको नोट कर देना है ओके okay? जैसे ही आप ये टास्क नोट करते जाओगे आपके डायरी में आज कल परसों पूरे हफ्ते में हर एक, हर एक दिन पे कोई ना कोई कोई ना कोई टास्क आ जाएगा ओके okay? इस तरह से पहले आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना है ये हो गया प्रोजेक्ट के हिसाब से आपके कोई सेट जो इनकम्प्लीट टास्क है उसके हिसाब से इसके अलावा भी डे टू डे में काफी टास्क होते हैं ओके okay, अभी वो कैसे आना है उसके हिसाब से प्रायोरिटी है राइट सो हिसाब से अठारह ट्वेंटी फोर में आपके पास ये चार टास्क लिखे हुए आ रहे हैं ओके okay? इसके अलावा भी आपके डे टू डे कुछ टास्क होते हैं सपोज आप जैसे ही ऑफिस में जाते हो तो आप अपनी टीम से बात करते हो या

और एक है अर्जेंट क्या है ओके okay, बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे जारग बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो पर हम उसको बहुत सिंपल रखेंगे ओके हाउ टू प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज अर्जेंट है ओके okay? कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है बस एज अ टास्क अपने दिमाग में रहती है कि करनी है करनी है करनी है करनी है वो ना जरूरी है ना करने से कुछ होने वाला है पर तो भी हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है कि करना है करना है करना है करना है करना, है, करना है, ओके तो उसको हमें जब भी आप ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में ये सारी चीजों को डालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज मैंने फालतू में लिखी हुई है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है यूज ही नहीं है ओके सो लेट्स गेट टू दिस अभी गो टू बैंक फॉर विड्रॉल ये इंपॉर्टेंट है अर्जेंट है है ना अर्जेंट है कि नहीं वो आपको अभी डिसाइड करना है मैं अभी अपने हिसाब से आपको ये चार टास्क में कैसे आपको सोचना है वो बता रही हूँ ओके okay? ये यस yes, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है ओके okay? फिर टॉक टू कस्ट अगर मुझे किसी को पेमेंट देना है तो ये अर्जेंट भी हो गया ठीक है तो मैं लिखती हूँ इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट टॉक टू कस्टमर एक्स फॉर पेमेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट नहीं होगा शायद पर इम्पॉर्टेंट है क्रिएट सेल्स टीम एस ओ पी दिस इज इम्पॉर्टेंट हमारे इसमें कभी भी ये अर्जेंट लेवल पे आई आता ही नहीं है जो भी नया चीज़ करना होता है सिस्टम प्रोसेस ये सब बिठाना होता है स्पेशली बिजनेस ओनर्स के लिए तो इट नेवर कम्स इन टू अर्जेंट चलो तो ऐसे ही लेते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है ओके टेक रिपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टीम ये भी इंपॉर्टेंट है यानी क्या कि ये लिस्ट में हमने फालतू के कोई भी टास्क नहीं लिखे जो जरूरी नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है अभी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई एक ही चीज़ है जो अर्जेंट है ओके okay, तो मैंने ये समझ लिया कि सबसे पहले मुझे दिन में ये चीज़ करनी है फिनिश ओके okay, इसको मैंने बोल दिया कि ये भाई ए कैटेगरी की चीज़ है सॉरी अबाउट द मार्केट टूडे ओके तो ये ए कैटेगरी की चीज़ है इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है तो मैं ऑफिस आने से पहले ही इस चीज़ को खत्म करके आ जाऊँगी ओके इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट अभी ये बाकी सब जो है वो इंपॉर्टेंट है पर इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बहुत तेज भागते हैं है ना वो इम्पोर्टेंट होती है बट वो कभी एग्जीक्यूशन में आती ही नहीं है जैसे हम सबके साथ बहुत बार होता होगा है ना अगर मुझे सपोज ये सेल्स टीम का एसओपी सेट करना है ये इम्पोर्टेंट है पर हम कभी वहां तक पहुंचते ही नहीं क्यों क्योंकि हम सोचते यार ये करना होगा वो करना होगा ऐसा करना होगा वैसा करना होगा छोड़ जाने दे बाहर से पूरा टाइम उसके बारे में सोचते रहते कभी उसमें इंडल जो कि वो फिनिश करने का आ, एफर्ट ही नहीं डालते ओके okay, तो आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो है ना वो आपको इधर देना है ओके सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑफिस में सारे जो टीम मेंबर्स है वो ग्यारह बजे आ जाते हैं और आपको पता है एक बार लोग आगे उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो आपको क्या करना है आप एक दिन आओ दस बजे जब ये अठारह तारीख है आप दस बजे आओ है ना ये इम्पोर्टेंट काम को दस से ग्यारह के बीच में फिनिश करो बाहर से बैठ के देखना नहीं है ये काम को हाथ में लेके फिनिश करना है जहाँ डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शन आपके पास ओके okay, सो so ये बाहर से देखना नहीं है गो इन साइड एंड डू इट तो आपने ये एक टास्क कंप्लीट कर दिया अच्छा ये जब आप टास्क कंप्लीट करोगे ना तो आपको बड़ा प्रोडक्टिव फील होगा कि यार फाइनली मुझे बिजनेस के लिए जो करना था ना वो मैंने किया इतने टाइम से जिसको मैं पोस्टपोन करते जा रहा था वो मैंने किया या ये चीज मुझे कब से करनी थी सालों से अब जाके फाइनली हुई है ओके okay? सो so ये भी आपको एक्सपीरियंस में आएगा इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है ये पूरे दिन का है ना आपका प्रोडक्टिविटी चेक होता है कि आज मैंने दिन में क्या किया तो बाकी सब तो ठीक है करते रहे वो तो डे टू डे का टास्क है पर मुझे जो बिजनेस में करना उसमें मैंने क्या किया तो उसमें मैंने ये किया बिफोर आई स्टार्टेड माई डे ओके okay, तो ये मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ कि आप दस से ग्यारह में आओ आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि इसका क्या सोल्यूशन है फर्स्ट टास्क यू डू इज ओके ये तो मैंने आने से पहले ही कर दिया देन मैंने ये टास्क लिया इसको मैं सपोज ए इसको ए दिया है इसको मैंने बी दे दिया ओके okay, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट आता है ये टॉक टू कस्टमर एक्स फॉर पेमेंट अभी है ना लोग क्या करते हैं पता है क्योंकि वो फोन करना है पेमेंट देगा नहीं देगा अजम्शन इतने सारे दिमाग में होते हैं ना कि क्या बोलेगा कब देगा फिर बोलेगा दस दिन बाद देता हो दो दिन बाद देता हूँ छोड़ना है यार कौन करेगा ये तो देने ही नहीं वाला है इसका फोन में करता हूँ ना तो रिंगिंग पे ही जाएगा इतनी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है ना तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी वाली चीज है वो हम उसको डिले 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 करते हैं फिर हम ये जो पर्टिकुलर टास्क है उसको शाम को लेके जाते हैं चार बजे पाँच बजे पांच बजे हम करते हैं तब वो ऑलरेडी अपने मेस में होता है कस्टमर और फिर वो बोलता है कि नहीं मैं एक दो दिन में करता हूँ तो अपने को लगता है कि हाँ देखा मैंने बोला ही था ना या फिर वो उठाता ही नहीं है फोन तो हमें लगता है कि देखा मैंने तो बोला था यही होने वाला है तो इस टाइप की कुछ गेम हम खेलते हैं राइट सो तो ये जो है वो मेरे लिए मॉर्निंग में करना जरूरी है जितना इम्पोर्टेंट ये टास्क है उतना ही इम्पोर्टेंट ये टास्क है तो मैंने इसको भी बी कैटेगरी में दे दिया ओके ये जो है वो सी कैटेगरी एक बार मेरी टीम आ जाएगी उसके बाद मैं कोई उनके साथ बैठ के करना है तो सी कैटेगरी में आ गया अभी दोनों बी है दो बी तो हो नहीं सकते तो उसमें भी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बाहर से देखने वाला सालों से बाहर से देख रहा हूं ना टास्क वो तो ये जो है इसको बी वन दे दिया और इसको बी टू दे दिया सबसे पहले मैं फिर बी वन करूंगी फिर बी टू करूंगी फिर सी करूंगी सिंपल इस तरह से आपको अपने दिन को प्रायोरिटाइज करना है एक बार हैबिट आ गई उसके बाद ये ए बी सी डी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको देख के ही समझ आएगा आप लिखना भी वैसे ही शुरू करोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पहले वो लिखो राइट सो इट विल ऑटोमेटिकली हैपन अच्छा ये करते करते आप खुद अपना कोई सिस्टम बना लोगे कि चलो डायरी है उसके चार बॉक्सेस कर दिए ये मैं करती थी राइट तो चार बॉक्सेस कर दिए उसमें सबसे प्रायोरिटी वाला पी वन पी टू पी थ्री पी फोर ऐसा मैंने सेट कर दिया आप जब फॉलो करने ये बेसिक है इसको आप फॉलो करते जाओगे करते जाओगे तो आप शायद खुद का भी कोई सिस्टम प्रायोरिटी सेट करने का निकाल लो ओके okay? सो so ऐसा नहीं कि दिस इज इट और ये ही है भगवान ये है और ऐसे ही करना है बट दिस विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया हाउ टू प्रायोरिटाइज योर डे आई होप दिस मेड सेंस आई पर्पजली चोज की एक एग्जाम्पल दूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए किस हिसाब से थॉट प्रोसेस जाता है हर टास्क को प्रायोरिटाइज करने में ओके okay, अभी जो लास्ट सेगमेंट है उसमें मैं आपको टॉप रूल्स देने वाली हूँ आप जब भी प्रायोरिटी सेट करने बैठो उसमें ये रूल्स का आपको बहुत ध्यान देना है ओके सो लेट्स गेट टू दैट आगे बढ़े उससे पहले अ वॉर्म इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू हमारा जो कम्युनिटी टैब है यूट्यूब पे उस पे प्लीज एक्टिव रहिए क्योंकि वहां पे आपके काम की बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हम करते हैं कुछ चीज़ें जो आपके फायदे की हो हम लाइव वेबिनार्स करते हैं उसकी अनाउंसमेंट्स वहां पे होती है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स शेयर करते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें लगती है हमारी कम्युनिटी को जानने की ज़रूरत है जिससे आपको फायदा होगा वो हम वहां पे शेयर करते हैं क्योंकि यूट्यूब पे वो चीज़ वीडियो के थ्रू शेयर करना मुश्किल होता है तो हम कम्युनिटी टैब पे करते हैं तो वहां पर प्लीज़ एक्टिव रहिए ताकि एक भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके फ़ायदे की आप मिस ना करो ओके okay, अगर आपको हमारी मेंटोरशिप चाहिए वन टू वन मेंटोरशिप में आपको इंटरेस्ट है एज अ बिजनेस ओनर यू वांट मी टू हेल्प यू टू अचीव योर बिजनेस गोल्स टू सेट सेट से जो भी आपका पर्पस हो ऑफ सीकिंग मेंटोरिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक पे जाइए हमारे अचीवमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए आप यू कैन अप्लाई फॉर द सेम इफ यू फील दैट यूर अ परफेक्ट मैच तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे एक वो हो गया दूसरा प्लीज कम्युनिटी टैब पे एक्टिव रहिए ताकि एक भी हमारी चीज जो है इंपॉर्टेंट चीज जो आपके फायदे की है वो मिस ना हो जाए ओके okay? अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते एंड लेट्स कम टू द रूल्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग रूल नंबर 1 सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर पूरे दिन के जो आपके होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कीजिए जिसे आप भागते हो जिसको आप अवॉइड करते हो वो चीज अपने सबसे प्रोडक्टिव आवर में कीजिए यानी सपोज सुबह का टाइम है वहां पे आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो सुबह आठ से दस का टाइम है वहां पे आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हो तो वो टाइम पे आप ऐसे टास्क लीजिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है जो आपको आपके बिजनेस या आपके लाइफ या आपके प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स के और करीब लेके जाए ओके सो ऑलवेज डू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम नेक्स्ट रूल नंबर टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रेक्शन्स आप बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो कि भाई तीन से चार मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा फ़ोन साइलेंट ईमेल को अवे मोड में डाल दो और जो भी लोग आना जाना करते हैं बाहर एक जन को बिठा दो कि ये तीन से चार में मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा ओके स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शनस ये बहुत ज़रूरी है अदरवाइज जो आपने लिखा है वो कुछ होने ही नहीं वाला है ना बार बार टीम के लोग आएंगे बार बार किसी का फ़ोन आएगा सोशल मीडिया तो है ही हमारे खुद के एडिक्शंस खुद के इश्यूज तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है सो स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस नेक्स्ट रूल नंबर थ्री टॉप थ्री रूल्स में से मेरा रूल नंबर थ्री है डू नॉट ओवरडू। आप अपने दिन के टास्क में इतने ही टास्क लिखो जितने आप जानते हो कि ये पॉसिबल है करना सपोज आप सुबह नौ बजे शुरू करते हो शाम को छह बजे कंप्लीट करते हो आप नौ से नौ भी बैठोगे ना तो भी ये इतने सारे टास्क नहीं खत्म होने वाले ये आपको पहले से पता होता है सो डोंट ओवर डू प्लान वाइजली कि आज के दिन में ये दस हो सकते हैं अगले दिन में ये सात हो सकते हैं उसके बाद ये बारह हो सकते हैं क्योंकि उस दिन मेरे पास टाइम ज्यादा है अगर मीटिंग्स है तो आपको पता है पहले से ही कि मीटिंग में तीन घंटा जाने वाला है फिर भी वो दिन पे सौ टास्क लिखोगे और फिर सोचोगे यार मुझसे टास्क क्यों नहीं हो रहा राइट सो डोंट ओवर डू इट बी वेरी स्मार्ट बी वेरी कैलकुलेटिव कि अगर मेरे दिन में इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये हो पाएगी कि नहीं सो नो ओवर डूइंग बी वेरी कैलकुलेटिव ऑफ वॉट कैन बी ट्रूली अकम्पलिश्ड इन अ डे राइट आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया है आई होप आपको ये समझ आया है नहीं आया है तो प्लीज़ गो बैक कम बैक एंड सी इट एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट बट अगर आपने ये कोड क्रैक कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी और जो जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह रही है या जो जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो वो सारी चीज़ें कर पाओगे राइट सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो आई एम श्योर यू हैव लाइक द वीडियो सो डोंट डोंगेट टू लाइक इट एंड नीचे कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा लगा क्या आपने सीखा और अगर आप सीख के ये वीडियो के एंड तक आपने उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है सो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई वॉन्ट यू टू शेयर दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे भी मज़ा आए जब आपके कमेंट्स देखती हूँ तो आई फील रियली रियली एम्पावर्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रायोरिटाइजिंग योर डे ऑल्सो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा तो ये वीडियो भी जरूर से देखेगा राइट थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय